आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। आप टीडी न्यूज पर हलचल देख रहे हैं। आज हलचल में हम आपको एक बड़ी दुर्घटना के बारे में बताएंगे। यह खबर बिहार के सुपौल से है, जहां जिले में हुए एक भयानक हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा जिले के भीमपुर थाना के समीप NH 57 पर हुई है, जहाँ एक अज्ञात स्कॉर्पियो की चपेट में बाइक आ गई। चपेट में आने से बाइक सवार तीनों लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं मौके से स्कॉर्पियो चालक गाड़ी लेकर भागने में सफल रहा। मृतक नरपतगंज थाना क्षेत्र के नाथपुर के रहने वाले बताए जाते हैं, जबकि इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने NH 57 को जाम कर मुआवजे की मांग की और घंटों हंगामा किया। इसके बाद भीमपुर थाना अध्यक्ष रामाशंकर के समझाने से मामला शांत हुआ। दरअसल बाइक सवार पति पत्नी अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ अपने घर जा रहे थे कि भीमपुर चौक के समीप तेज गति से आ रही स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि सभी बाइक सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा परिवार वालों को मुआवजा देने और ओवर ब्रिज की मांग को लेकर हंगामा शुरू हो गया। पुलिस अज्ञात स्कॉर्पियो की तलाश में जुट गई है। मृतकों की पहचान नरपतगंज थाना क्षेत्र के बरहरा पंचायत के बरदाहा वार्ड संख्या 5 निवासी 30 वर्षीय सूर्यानंद पासवान, पिता गुगली पासवान, 25 वर्षीय रूबी देवी, पति सूर्यानंद पासवान और 1.5 साल के पुत्र रोहित कुमार के रूप में की गई है। जैसे कि इस घटना के बाद से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। युवक का ससुराल भीमपुर बताया जा रहा है, जो शुक्रवार की शाम अपनी पत्नी और 2 साल के पुत्र के साथ बाइक से अपने घर बरदाहा से भीमपुर जा रहे थे। इसी बीच NH 57 पर यह हादसा हुआ। इस बाबत छातापुर CEO ने बताया कि मृतक के परिजनों को सरकारी नियम के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।